plan பண்ணச்சி for any moment बस रे सुनடே काय सांगू हां तो हां गाइस स्वागत है आपका एक मिनट तेने दोघा नि कधीच बाहेर नाही गेले लांब काम ना अजून नाही विचारलं था सुनील स्वप्न काय करायचा काम ना ए मम्मी प्रश्न सुरू क्वेश्चन तो पूछने दो उनको तो गाइस आज हमारा पहला क्यू एन ए वीडियो होने वाला है। आज कल हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे तो हमने सोचा क्यों ना एक क्यू एन ए किया जाए। और हमने जो पोस्ट की थी यूट्यूब पे उसके अंदर जो जो क्वेश्चन आए थे उसमें से कुछ क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं तो उनके आंसर अभी हम करेंगे। और अगला जो क्यू एन ए होगा वो हम इंस्टाग्राम से करेंगे तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर लेना ताकि हम वहीं से करेंगे, वहां पे इजी जाता है। तो चलिए क्यू एन ए शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहला क्वेश्चन है मराठी में दादा तुझ गाँव कोणता है वहिनी आणि तू पुण्यात कुठे राहता। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है हमारे गाँव का नाम क्या है और पायल और हम कहाँ रह रहे हैं अभी। तो पहला पार्ट का आंसर दे सकते हैं, दूसरा पार्ट नहीं बता सकते भाई क्योंकि थोड़ी प्राइवेसी रीजंस की वजह से। तो हमारा गांव का नाम है धनकवाड़ी जो आता है येवला तहसील में नासिक डिस्ट्रिक्ट में। तो शिरडी से आप कंसिडर कर सकते हो 30-35 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। मनमाड रेलवे स्टेशन है उससे 10 किलोमीटर दूर। येवला तालुका में आता है जो पेठे के लिए फेमस होता है। ठीक है होता है जो येवला पेठे के लिए फेमस है। दूसरा क्वेश्चन है गाइस व्हाट्स योर पैकेज। ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन। मम्मी कितनी का पैकेज संग करना बस आंगू आपको बता दो पैकेज क्यों नहीं कुछ। हाँ तो गाइस जो लोग भी पैकेज और पैसों के बारे में जानना चाहते हैं ना मैं आपको बता दू कंपनी में रूल होता है आपका खुद का पैसा पैकेज आप बता नहीं सकते कहीं पे भी क्योंकि एक प्राइवेसी होता है कंपनी का एक रूल होता है। अगर मैं बताता हूँ तो मेरे ऊपर एक्शन ली जा सकती है मुझे कंपनी से निकाला भी जा सकता है। तो बहुत सारी चीजें होती है इसकी वजह से मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूँ। सिर्फ मेरे क्लोज फैमिली मेंबर्स को पता है मेरा पैकेज कितना है और वो भी मैं मतलब उसके आसपास बताता हूँ एग्जैक्ट किसी को नहीं बताता हूँ मैं तो। पर आप ये मान के चलो कि मेरा पैकेज अच्छा है अच्छी खासी मेरी अर्निंग हो जाती है और ये पैकेज लेने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है बहुत सारे स्किल्स सीखे तब जाके मुझे थोड़ा बहुत अच्छा पैकेज मिला है। तो हाँ और दूसरा क्वेश्चन है कि मामा जी पोर कशी केली इसका एक स्टोरी है बहुत बड़ा स्टोरी बाद में बताऊंगा कभी। और पायल का एजुकेशन बैकग्राउंड है वो बीएससी कर रही है अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा है ज्योति डांगे जी ने वो पूछते हैं आपकी फेवरेट डिश कौन सी। मामा कौन सी है मेरी फेवरेट डिश पोहे। अपने पोहे अपन किधर भी खा सकता हूँ मैं दिन भर खा सकता हूँ पोहे। मम्मी के लिए एक क्वेश्चन है और आई बाबा मुझे अभी तो मम्मी इधर तो मम्मी को पूछ लेता हूँ कि सुनील और मेरे में सबसे फनी इंसिडेंसेस कौन से बचपन से क्या क्या मतलब आनंद ये क्या है मुझे खूब हंसने का क्या है हम चलो एवढा आठवतो सुनील तुला कधीच रागवत नाही मोठा भाऊ म्हणून सुनील तुला म्हणजे मोठ्या भावाची चीज येतो कधी पण गणू भाऊच म्हणतो तुला दुसरे जरी गणू म्हणले काही म्हणले तरी तो तुला गणू भाऊच म्हणणार मोठ्या भावाची येत येतो तुला असं। मम्मी बोल रही सुनील ये फनी इंसिडेंट तो नहीं पता पर मम्मी बोल रही है कि सुनील हमेशा मेरे रिस्पेक्ट करता है और हमारे कभी झगड़े नहीं हुए ना। नहीं हमारे डिसएग्रीमेंट होते हैं पर झगड़े नहीं होते। इंटेलेक्चुअल एग्रीमेंट हो रहा है आर्ग्यूमेंट होता है इंटेलेक्चुअल। हाँ और फनी इंसिडेंट में सुनील का एक बता सकता हूँ। सुनील है ना बचपन से ऐसा एकदम लेजी टाइप था नहीं वो क्या बोलता हमारे पास है ना बैलगाड़ी हुआ करके उसके ऊपर बिठा दिया एक बार उसको उसपे से गिर गया नीचे ऐसा था ये सुनील मतलब कहीं पे भी और बहुत बोला था बहुत दिन भर सोता रहता था। हाँ दिन भर सोता रहता था और शांत रहता बहुत इनोसेंट था कुछ भी अगर किसी ने उसके ऊपर ऐसे बोला ना उसको ज्यादा जोर से मम्मी ने सब काम कर दिया था जोर से अगर किसी ने उसको चिल्ला के बोला रोने लग जाता है अभी भी ऐसा है उसका एकदम रोने लग एकदा कुरडाय करायच्या होत्या ना दिवस भर झोपून राहिला होता संध्याकाळी 5 वाजता त्याला पंटा कुठं उठवलं होतं। मम्मी बोल रही कुछ तो मम्मी पापड वगैरह कुरडाय जैसा कुछ बना रही थी तो ये दिन भर सो गया था तो उसको पानी डाल के उठाना पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, जो पूछा है गौरव नागरे जी ने, हे ब्रो टेल मी अबाउट योर मैरिज स्टोरी। बता हमारी मैरिज स्टोरी क्या है, बताना है गाइस। ये मैरिज स्टोरी आपको बाद में बताएंगे कि किसी दिन, बहुत लंबी स्टोरी है। तो सेम प्रश्न हमें उत्कर्ष पवार इन्होंने भी पूछा है, वो हम बाद में आंसर करेंगे। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा है अमित जाधव ने, बोल रहे हैं कि आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। सो मैं ये बात आपको बता सकता हूँ, आईटी इंडस्ट्री का नहीं, कहीं का भी आप देख लो, क्या होता है कि कुछ समय बाद है ना वो चीजें मतलब नीचे जाने लगती है और फिर वो ऊपर उठती है। ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये मत सोचो कि ये कहीं जाने वाली है चीज, ये बढ़ने ही वाला है सब कुछ। तो आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, हालांकि अभी रिसेशन वगैरह आ रहा है, पर ये आप मान के चलो कि ये थोड़े से पीरियड के लिए होता है। ऐसा नहीं होता कि आप मतलब गई इंडस्ट्री चली गई, ऐसा नहीं होगा भाई। इतने लोगों के जॉब्स वगैरह सब चीजें आगे बढ़ते रहता है इंसान। अगर आप मान लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह भी आ जाता है तब भी मतलब चीजें बदलेगी पर जॉब्स रहेंगे, कुछ ना कुछ तो नया आता रहेगा। तो टेंशन मत लो, अपना काम करते रहो, चलते रहो। उन्होंने टेक्निकल आंसर पूछा है आपको, आपके एक्सपीरियंस से बताओ आपको क्या फ्यूचर कैसा होगा आईटी इंडस्ट्री का, आपने जितने साल काम किया उसके बाद। वही तो बताए मैंने, ये क्या हुआ, कोई भी सेक्टर नीचे थोड़ी नहीं जाता। अरे भाई मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आईटी इंडस्ट्री का फ्यूचर अच्छा है। आप मान के चलो कि थोड़े टाइम के लिए बैड पैच आ सकता है, जैसे अभी रिसेशन की न्यूज आ रही है और वो भी सारे कंपनीज को एक साथ में अप्लाई होता है। थोड़े थोड़े मतलब किसी कंपनीज के फंडामेंटल्स बहुत ये होते हैं, किसी कंपनी में प्रॉफिट वगैरह नहीं होता है ज्यादा, तो उनके खर्चे वगैरह सब चीजें, वो उसमें बहुत टेक्निकल चीजें है। पर आप ये मान के चलो कि चीजें हो रही है तो भी वो रिकवर हो सकती है टाइम के साथ। तो ऐसा मत सोचो कि एक बार जैसे 2008 में रिसेशन आया था या फिर इंडस्ट्री और सभी सेक्टर्स नीचे चले गए थे तो उसके बाद भी मार्केट अप हुआ है और आज देख लो आप कितनी तरक्की हो रही है। तो होता है बैड फेज आते रहते हैं, उससे आगे भी निकलते, तो ऐसे मत सोचते रहो, अच्छा है सब कुछ, करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मोहसिन पिंजाली ने पूछा है कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ स्मॉल कंपनी में, 3 साल से काम कर रहा हूँ, मैं एमएनसी में जॉब कर सकता हूँ। हाँ भाई बिल्कुल कर सकते हो, 3 साल से कर रहे हो, जॉब ढूंढना शुरू कर दो, देखो आपको कोई अच्छी कंपनी मिलती है तो ज्वाइन कर लो। और दूसरा क्वेश्चन उनका है कि हाउ अ मिडिल क्लास बॉय फील्स व्हेन ही डू जॉब इन एमएनसी एज अ डेवलपर। भाई बहुत अच्छा लगता है, मैं तो बताऊं मैं जब ज्वाइन किया था ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था, मैं मतलब लड़कियों से ठीक से बात नहीं कर पाता था, मुझे ऐसे शर्म आती थी, मैं एकदम ऐसे हर किसी को सर 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 करके बुलाता था। पर जब मैं अंदर आ गया तो मुझे यहाँ का वर्क कल्चर पता चल गया और यहाँ पे एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आ गया। तो ऐसा मत सोचो यार मतलब कुछ नहीं, आप अगर लर्निंग करने का माइंडसेट लेके आते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो जिंदगी में, करते रहो। हाँ, और तीसरा क्वेश्चन बहुत फनी है कि वो पूछ रहा है कि किसी कोई आपके पास आया है क्या मोबाइल लेके कि भाई ठीक कर दो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, पता सुनी। ये सबसे फनी वाला होता तो हमारे यहाँ एक लोकल पॉलिटिशियन है, मतलब उनको पता है कि हम सब आईटी में काम करते हैं, तो वो एक दिन घर पे आए और हमसे बोलने लगे कि कुछ ऐसा डेवलप करो कि जब लोग वोटिंग करते हैं ना तो सारे वोट मुझे ही मिले, किसी को भी वोट सारे वोट मुझे ही मिले। ये सबसे मतलब अतरंगी क्वीरी लग गया है, वो बोल रहे थे कि ऐसा कुछ तो करो कि किसने वोट किसको दिया है पता चल जाए। भाई अब ये गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर को कैसे हम डेटा इसको लेके आएंगे, उन्होंने वो सोचा वो बहुत बड़ा मतलब जो ऐसे ऐसे अतरंगी किसी। बाकी मोबाइल रिपेयर करो, ये हो रहा है वो हो रहा है, बहुत ऐसे हो तो मत पूछो आप लोग। और हाँ, एक भाई ने पूछा, अमित जी ने पूछा है कि आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। तो गाइज मैं बता दूं, मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन ये है कि मुझे ना यार खाली बैठना पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लगता है मैं कुछ ना कुछ करता रहूं, मेरा जो टाइम है ना उसको यूटिलाइज करते रहो, चाहे कुछ भी हो, जिस चीज में मन लगता है वो मैं करता रहता हूं। तो मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन वही है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपना काम करते रहना है। और मैं बहुत छोटा सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि आज मुझे क्या करना है, आज जो करना है उसके ऊपर फोकस करते हैं, अपने आप चीजें वो बढ़ती जाती है फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या डिफरेंस होता है? भाई बीसीए पहले बता दो, बीसीए एक डिग्री है, जैसे इंजीनियरिंग एक डिग्री है ना, ऐसा बीसीए एक डिग्री है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन है, मतलब आप काम करते हो उस रोल को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलते हैं। तो मान लो कि आपको अगर सॉफ्टवेयर बनाना है तो उसके लिए इंजीनियर बोला जाता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो बीसीए और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये अलग अलग चीज है। व्हाट्स योर पैकेज फॉर नाइस कंपनी? आपका क्वेश्चन मुझे नाइस लगा पर बता नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजनेस करना अच्छा है या जॉब करनी अच्छी है? भाई मैंने तो बिजनेस कभी किया नहीं है, जॉब ही कर रहा हूँ। देखो भाई आप, हर एक चीज का अपना अपना प्लस माइनस होता है, पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जहां पे फ्रीडम हो, और मुझे लगता है बिजनेस में अगर आप खुद का अगर कुछ अच्छे लेवल पे बिजनेस बन जाता है तो वहां पे फ्रीडम है। जॉब में थोड़ा आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन होते ही है, बिजनेस में मुझे लगता है ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं, क्योंकि वो आप खुद के लिए कर रहे हो ना, तो आप एंजॉय नहीं करते हो, मतलब आपके पास टाइम नहीं होता है। बिजनेस में आप ज्यादा बिजी रहते हो, अगर आपको रिलैक्स लाइफ चाहिए है तो आप जॉब करो, आपको मतलब हासिल वाली लाइफ चाहिए है तो आप बिजनेस करो। आपको मतलब एकदम ऐसे डेडिकेटेड बंदे हो, आपको लगता है 24 घंटे मुझे काम करना है, बिजनेस आपके लिए, पर मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जॉब का बता सकता हूँ। और मेरा पर्सनल ये है कि मुझे फ्रीडम अच्छी लगती है, तो आई थिंक फ्रीडम, आप खुद का कुछ हो तो फ्रीडम हो सकती है। कोई तो पूछ रहा है, मोहम्मद मुदस्सिर पूछ रहे हैं, भाई आप मीटअप कब करोगे? पहले बताओ कब करना है मीटअप, मुझे क्या पता, बताओ ना कब करना है, तुम बता दो। आज हमारे जो सब्सक्राइबर है ना उनको हमसे मिलना है, हाँ। तो वो पूछ रहे कब मिलोगे, कब मिलना है, वो बताओ कितने सब्सक्राइबर, उसको बहुत प्लान करना पड़ेगा। हाँ अगर मिलना होगा ना तो बहुत सारा प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है कितने लोग आएंगे कितने लोग नहीं आएंगे। मम्मी बोल रही दिवाली के बाद देखेंगे, तो गाइस दिवाली के बाद देखते हैं कब मीटअप वगैरह कर रहे हैं, कर लेंगे। अगर कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो करेंगे, 50 के सब्सक्राइबर हो जाने के बाद 50 मीटिंग बोले, तू बोले 50 गाइस कर लेंगे मीटअप, कुछ सब्सक्राइबर का नहीं है, एक बार कर लेंगे कभी तो भी टाइम मिलेगा तो ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा बहुत अच्छे। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन एंड फेवरेट यूट्यूबर? पहला तो मैं बता देता हूँ मेरा इंस्पिरेशन कौन है। तो मेरा इंस्पिरेशन है भाई एमएस धोनी, मतलब मेरे फैमिली के अलावा, मेरे वैसे तो मम्मी पापा से आप बहुत ज्यादा सीखते हो, आपके लाइफ में हर कोई इंस्पिरेशन ही है, पर मैं पर्सनली जिनको फॉलो करता हूँ वो है एमएस धोनी, और मैं चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में 1% भी उनके जैसा कर पाऊँ और लाइफ में एक बार उनको मिलूं, तो मेरे इंस्पिरेशन है। मुझे किसी सेलिब्रिटी का अट्रैक्शन नहीं, किसी का नहीं है जितना एमएस धोनी का है। और मेरा फेवरेट यूट्यूबर है अभी फिलहाल, मैं सौरभ जोशी के ब्लॉग्स ज्यादा देखता हूँ आजकल, तो वो मेरे फेवरेट यूट्यूबर है। हाँ, व्हाट विल यू बाय फर्स्ट, कार और घर? तो भाई अभी हमारी फैमिली देख लो, अभी हमें पुणे आना था तो हमें हमारे अंकल जी की कार लेके आनी पड़ी, तो हमारे पास कार नहीं है, तो आई थिंक सबसे पहले तो हम वही लेंगे कार, कार ले लेंगे, कार की जरूरत अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा है, तो कार हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, फ्लैट ले लेंगे भाई धीरे धीरे, कार भी ले लेंगे आ जाएगी जब आनी होगी। हाँ, और एक क्वेश्चन है सुनील सोनोने जो पूछ रहे हैं कि आप सुनील के कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेते, उसका वर्क फ्रॉम होम है परमानेंट। भाई मैं कर लूंगा उसकी कंपनी में जॉब, पर अभी मैंने नाइस कंपनी ज्वाइन की है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि इतने जल्दी किसी कंपनी को छोड़ दूं, और वो अच्छी बात मुझे पर्सनली इसलिए नहीं लगती है कि भाई उस कंपनी ने आपके अंदर इन्वेस्ट किया है, अब उनको कुछ रिटर्न तो दो। अगर मैं 5 महीने बाद छोड़ दूंगा तो उनका भी नुकसान होगा ना कंपनी का, और मेरा भी मतलब मुझे भी वो अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुकता हूँ किसी कंपनी में। जैसे मैं पहली कंपनी में 5 साल रुकता था, अभी इस कंपनी में भी मैं लॉन्ग टर्म रुकूंगा, तो ऐसे इसलिए मैं स्विच नहीं करता हूँ जल्दी जल्दी, तो यही रीजन है। तो गाइस इतने क्वेश्चन थे हमारे Q&A के, आई होप आपको आंसर मिल गए होंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।
अभी ये क्यूए वगैरह सब चलते रहेंगे आगे आगे जैसे बढ़ेंगे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो आप लोग, ठीक है ना? ठीक है, सो मच फॉर एंड करने का ब्लॉग इधर ही आपका जैसा प्लान होगा करते हैं, बीच में डाल देते हैं, ये बीच में आएगा गाइस, इसके बाद भी ब्लॉग रहेगा आपका।